हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ें। ओप्पो का लॉक तोड़ना बेहद ही आसान है और इजी है, जो कि आप घर बैठे तोड़ सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इमरजेंसी कॉल में जाना है। इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद एक कोड मिलेगा आपको, जो कोड डायल करना है *#8539297 ##, और इसको आप 3 बार डायल कीजिएगा। 1, 2, 3। 3 बार डायल करने के बाद आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको फिर से इमरजेंसी कॉल में जाना है। इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद आपको मास्टर कोड मिलेगा, वो मास्टर कोड डायल करना है *#8999#। इसे डालने के बाद आपका इमरजेंसी मोड ऑप्शन, इमरजेंसी मोड पेज खुल जाएगा। इमरजेंसी मोड पेज खुलने के बाद आपको मैनुअल टेस्ट में जाना है। मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद आपको सेकेंड पेज सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन को ढूंढना है, जो कि ऊपर नीचे कहीं भी रह सकते हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं। और ढूंढने के बाद सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद 3 रहेंगे, किसी में 2, किसी में 1, तो सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपका 1 पास हो जाएगा, तो फिर कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपको जी सेंसर पे जाना है। जी सेंसर पे जाने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा काम हो रहा है, एक प्रोसेस में है, तो वही देखना है कि हाँ, तो आपका काम देख लीजिए, प्रोसेस में है, चल रहा है, काम हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको लास्ट अदर पे जाना है। लास्ट अदर है, तो उस पे जाने के बाद आपको देखना है कि की स्टेटस कहाँ है, तो की स्टेटस पे आपको जाना है और चेक करना है कि मेरा पास हुआ है कि नहीं। जो भी लॉक लगाए होंगे वो पास हुआ है कि नहीं, तो देखिए यहाँ सारे लॉक पास हो गए हैं और आपका मोबाइल ऑन अनलॉक हो गया है।